डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि पता है आपको, पिछले क्लास में हम लोगों ने चौक कुंडली के बारे में पढ़ा था, तो चलिए हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब टॉपिक्स दिया जाए, तप्त तार यंत्र। इस बार तप्त तार यंत्र हम लोग टॉपिक बनाए हुए हैं। अब इस तप्त तार में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इस तप्त तार में, तप्त तार यंत्र जो होता है, इसको हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है तप्त तार एमिटर, जो विद्युत धारा को मापता है, और एक तप्त तार वोल्ट मीटर होता है। और वोल्ट किसका ऐसे मात्रक होता है, विभव का। यानी कि तप्त तार यंत्र को दो कैटेगरीज में कट करेंगे हम लोग। एक तप्त तार एमिटर के बारे में पढ़ेंगे और एक तप्त तार वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पता होगा, एमिटर एक विद्युत धारा को मापने का काम करता है, वहीं वोल्ट मीटर का बात करें तो ये विभव को मापने का काम करता है। सबसे पहले इस तप्त तार का मतलब समझिए कि तप्त तार का मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए, आप एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आप लोगों ने। अगर मान लिया कि कोई वायर है और इस वायर में जब आप करंट देते हैं, तो ये तार जो है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है, सिवाय वो गर्म हो जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर ध्यान नहीं दिए हैं, तो आपको जानना चाहिए कि कोई भी वायर रहे, चाहे वो कॉपर वायर रहे, चाहे वो एल्युमिनियम वायर रहे, जब उस वायर में आप करंट देते हैं, वो वायर धीरे धीरे क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। इसीलिए इसका नाम हुआ तप्त तार यंत्र। आखिर वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें करंट दिया जाता है। और करंट क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे क्यू आवेश गतिशील होता है। तो हम लोग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से याद रखेंगे कि सबसे छोटा, जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी का अगर बात करें, तो पूरे बॉडीज का सबसे छोटा से छोटा जीव कौन है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, ठीक है। एकदम छोटा से छोटा ये ऑर्गेनिज्म है जिसको सेल बोला जाता है। सेल से ऊतक बनता है और ऊतक से पूरे बॉडीज का निर्माण होता है। सेम वैसे ही दोस्तों, अगर हम फिजिक्स में बात करें, तो फिजिक्स में सबसे छोटा से छोटा अणु परमाणु का बात किया जाए, वो है आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग प्लस या फिर माइनस आवेश बोल सकते हैं। और ये आवेश जब गतिशील होता है, जब दौड़ना शुरू करता है आवेश, तो वो धारा का नाम कहलाता है। यानी कि करंट आता है और धारा जब आता है, आपको पता होना चाहिए उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आता है। जी हाँ, आपको पता है ना, किसी भी वायर में करंट दिया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी आता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, उसके ऊपर चुंबकीय सुई को रख के हम लोग ट्राई किए हुए थे, आपको पता है। और आज हम लोग सीख रहे हैं, किसी भी धारा वायर में जब धारा प्रवाहित की जाती है, वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तार में अगर आप करंट देते हैं, वो तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है। और दूसरी बात कि कोई भी मटेरियल को जब आप गर्म करते हैं दोस्तों, गर्म करते हैं तो वो पिघलता है। और पिघलता है इसका मतलब उसका क्षेत्रफल जब इतना था तो पिघल गया, तो ज़्यादा क्षेत्रफल में बढ़ गया। इसका मतलब एक बर्फ़ का आप टुकड़ा लीजिए, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, और जैसे जैसे ये धूप के प्रकाश में, सूरज के प्रकाश में या फिर हवा के संपर्क में आता है, ये पिघलना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे पिघलता है, तो बर्फ़ का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम थिंग्स आपको सोचना है, सब चीज़ देखिए ना, कोरिलेट्स होता है, जुड़ी हुई बातें होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आवेश प्लस माइनस होता है, जैसे कि छोटा से छोटा सेल होता है ना बायोलॉजी में, वैसे ही फिजिक्स का एक छोटा सा आयन होता है, जिसको धन आयन और ऋण आयन बोलते हैं, वो आवेश के फॉर्म में होता है। जब आवेश गतिशील होती है तो धारा के निर्माण हो गई, और धारा अगर दिया जाता है, उसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्पन्न, और उसी धारा से तार गर्म होता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गर्म होती है,
पिघलने का गुण पाया जाता है। सिवाय यहाँ पे भी हम लोगों को क्या होना है, तो अगर मान लिया कि तार का लेंथ इतना है, ठीक है, अब तार का लेंथ इतना है, जब इसमें करंट प्रवाहित किया जाता है I, तब इसका वायर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दोस्तों ये लंबाई बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ क्यों जाता है तार का, क्योंकि ये हीट होता है, गर्म होता है, और गर्म के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाता है। समझ पा रहे होंगे। तब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर ठीक है, ये वृद्धि हो गया, यहाँ तक पहुँचा, फिर करंट देते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ते रहेगा ऐसा लंबाई, तब तो हमको लगता है कि तार खरीदना ही नहीं पड़ेगा। तो जी नहीं, जब आप करंट पास करते हैं उस टाइम लंबाई वृद्धि होती है, जब आप करंट बंद कर देते हैं वो अपने आप अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आखिर सोचो आप कि कोई भी वायर में जब आप करंट पास कर दिए तो क्या हमेशा के लिए वो गर्म रहेगा, जब आप धारा बंद कर दीजिएगा तब पर भी वो गर्म रहेगा, नहीं ना। हम लोग किसी भी वायर में जब तक करंट देंगे तब तक वो तार गर्म रहेगा, और जब तक गर्म रहेगा तब तक उसमें लंबाई धीरे धीरे बढ़ेगी, और इतनी लंबाई सपोज दैट बढ़ती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कई बार यूज होता है कि आप किसी भी वायर को टाइट करके बांध दो पूरा, और उसमें आप करंट दो, और फिर करंट देने के बाद थोड़ा देर बाद देखो तो थोड़ा सा लूज नज़र आता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, हालांकि पता नहीं भी चल सकता है क्योंकि ये इतना कम होता है कि हम लोग एज्यूम नहीं भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लेंथ होता है इसका वायर का किसी का भी, तो जब हम लोग उसमें करंट देते हैं तो क्या हम लोग बात लिखें, वो तार गर्म हो जाता है, और दूसरी बात गर्म के कारण उसकी लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। तो तत्व तार यंत्र में हम लोगों ने इतना बात सीखा। अब उसके नीचे फर्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है जिसके कारण उस तार की लंबाई में वृद्धि हो जाती है कौमा, इसी सिद्धांत का उपयोग तप्त तार यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। तप्त तार यंत्रों के निर्माण में किया जाता है। चलिए, तो वही बात लिखे जो हम आपको इतना सारा बात समझाए हैं, उसी के बारे में लिखा। फिर ये भी लिखा कि ये तार गर्म हो जाता है जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ जाती है, बहुत कम बढ़ती है। ऐसा नहीं कि आप 1 मीटर जाके खरीदोगे और करंट दोगे तो वो 2 मीटर में बदल जाएगा। ऐसा होता तो लोग फिर इतना पागल नहीं थे जो बार बार तार को खरीदते अपने यूज के लिए। चलिए, तो हाँ, दूसरी बात कि ये तार में वृद्धि हो जाती है लंबाई में उसकी, तो इसी सिद्धांत का हम लोग उपयोग करेंगे किस में, तप्त तार यंत्र में, यानी कि इसमें हम लोग यही चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके 2 टाइप्स हैं, यानी कि तप्त तार यंत्र जो है 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं, एक का नाम है एमीटर, एक का नाम है वोल्टमीटर। तो लिखेंगे नेक्स्ट एरो में, तप्त तार यंत्रों का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है। 2 भागों में किया जाता है। नंबर वन तप्त तार एमिटर, नंबर 2 तप्त तार वोल्टमीटर। तो याद रहे, तप्त तार यंत्र को जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो कितने भागों में अध्ययन किया जाता है, इसका मेनली 2 टाइप्स, यानी कि एक तप्त तार एमिटर और तप्त तार वोल्टमीटर।
अब तप्त तार एमिटर कैसे, क्या इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद तप्त तार वोल्टमीटर के बारे में जानेंगे। फिलहाल अब हम लोग टॉपिक देंगे तप्त तार एमिटर। अब तप्त तार एमिटर को बढ़िया से फिगरली हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को पहले कुछ पॉइंट्स लिखना होगा। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट, तप्त तार एमिटर में AB मिश्र धातु, AB कैपिटल A कैपिटल B एक धातु है, AB मिश्र धातु का बना एक तार होता है, बना एक तार होता है। पूर्ण विराम, तार के मध्य में बंधा रेशम का एक धागा, बंधा रसम रेशम, बंधा मतलब कि बांधा हुआ, बंधा रेशम का एक धागा डी पर लपेटे जाने के बाद, डी पर रेशम का धागा डी पर, बताते हैं ये डी क्या है, ये बी क्या है। डी पर लपेटे जाने के बाद एक स्प्रिंग के से जुड़ा हुआ रहता है, एक स्प्रिंग के कैपिटल के से जुड़ा हुआ रहता है। पूर्ण विराम, डी के साथ डी के साथ एक सूचक पी जुड़ा रहता है, पी जुड़ा रहता है, जो यहाँ पे दिख पा रहा होगा पी कैपिटल पी, पी जुड़ा रहता है जो डी के घूमने पर एम्पियर के स्केल ई पर, एम्पियर के स्केल कैपिटल ई पर, रीडिंग देता है, रीडिंग हिंदी में इंग्लिश में लिखेगा रीडिंग देता है, रीडिंग देता है तथा ए और बी को दो पेंच T1 तथा T2 से, T1 तथा T2 से जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, नेक्स्ट एरो, T1 तथा T2 के बीच एक संट S को जोड़ दिया जाता है, के बीच एक संट एस को जोड़ दिया जाता है, कॉमा अब तार AB में, ऐसे लिखिएगा, अब तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब तार गर्म होकर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तब तार गर्म होकर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण तार ढीला पड़ जाता है। जिसके कारण तार ढीला पड़ जाता है। तब स्प्रिंग के
रेशम के धागे को, रेशम के धागे को नीचे की ओर खींचता है, जिससे बेलन डी घूमता है, डी घूमता है। चलिए तो अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर, फ्रेश फिगर देखेंगे कि हम लोग इसका मतलब क्या समझ रहे हैं और क्या होता है तप्त तार एमिटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, अच्छे से देखिएगा, फिगर आपको भी बनाना होगा। एक डी यहाँ पे बेलन होता है, एक डी बेलन है, और बेलन का तो मतलब जानते हैं ऐसे, और ये बेलन हम लोग घूम सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम सकता है चारों तरफ। वैसे ही यहाँ पे डी एक पॉइंट से दिखाया गया है जो बेलनाकार है, और इस बेलनाकार डी पे सबसे पहले इस डी बेलनाकार कोई पॉइंट्स है, और इसको हम लोग दो पॉइंट से जोड़ते हैं। एक पॉइंट्स का नाम है ए और एक पॉइंट्स का नाम है बी। देखिए, एक डी जो है एक बेलन है, और ए और बी एक वायर है, देख पा रहे होंगे, ये एक वायर है। ठीक है, दो वायर, एक वायर है, तार है, जिसमें हम जिसको हम लोग ए बी बोल रहे हैं, इसके बीच में डी एक लगा हुआ है जो बेलनाकार है, और इसी बेलनाकार बेलनाकार पे रेशम का धागा लपटा हुआ है। जी हाँ, अच्छा से सुन रहे हैं अपना, यहाँ पे चूंकि हम लोग तो क्वाइल बना नहीं रहे हैं, हम लोग तो परिनालिका बना नहीं रहे हैं कि इस पे हम लोग तांबे का तार लपेटेंगे, इसलिए यहाँ पे डी एक बेलनाकार है और इस पे रेशम का धागा लपेटा हुआ है, और लपेटे जाने के बाद एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ रहता है। डी पर लपेटे जाने के बाद एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है नीचे, जो एक पॉइंट सी से बंधा हुआ रहता है नीचे, यानी कि एक स्प्रिंग रहता है जो डी से कवर किया हुआ रहता है। अब क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि ए और बी जो दोनों तार हैं, ये जो दोनों तार हैं, इस दोनों तार को दो पेंच लगे हुए रहते हैं जिसको स्क्रू बोलते हैं। अब इसी स्क्रू से हम लोग इसको कस देते हैं। ठीक है, यानी कि इस स्क्रू से हम लोग यहाँ पे कसे हुए हैं इस वायर को, यहाँ पे से भी कस दिया, यहाँ पे ऐसे ही कस दिया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि दो वायर को हम लोग यहाँ पे कस दिए, और यहाँ पे हम भूल गए, यहाँ पे बीच में हम लोगों को एक संट भी जोड़ना है जिसको एस बोलते हैं। ठीक है, जब एस संट जोड़ दिया, अब क्या करना है, इस ए बी वायर में करंट पास करना है, यानी कि यहाँ से करंट हम लोग पास किए। जैसे ही दोस्त करंट पास करना शुरू हुआ, जैसे ही ये करंट पास करना शुरू हुआ, तो जैसे ही करंट पास शुरू हुआ ना, ये तार जो है गर्म होना शुरू हो गया। जब ये तार गर्म शुरू होना शुरू हो गया तो तार की लंबाई में क्या हो गई, ढीला पड़ गई, और ढीला पड़ गई तो ये जो डी पर रेशम का धागा लपेटा हुआ था वो क्या कर दिया, उसको खींच कर नीचे कर दिया, जिससे स्प्रिंग जो टाइट स्प्रिंग है ना, तो टाइट स्प्रिंग का मतलब क्या है, वो किसी न किसी को खींचेगा, कब, जब इधर की मामला अगर लूज पड़ेगी तो स्प्रिंग नीचे की ओर खींचेगा, यही क्रिया होते रहती है। यानी कि जैसे ही हम लोग इस ए बी वायर में जब करंट पास करते हैं तो ये ए बी वायर गर्म होकर ढीला पड़ जाता है, यानी कि लंबाई में इसकी वृद्धि हो जाती है, सिवाय इसके ऊपर जो रेशम का धागा लपटा हुआ है जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है टाइट करके, क्योंकि स्प्रिंग टाइट है तो उसको खींचेगा, और जैसे खींचता है तो हम लोगों को फिर ए बी जो तार है वो अपने पहले की अवस्था में टाइट रहता है। यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग और रेशम का धागा का क्या काम रहा, तो ये तभी काम करता है जब हम लोगों का तार लूज हो जाता है, गर्म होकर लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसको हमेशा टाइट करने का काम करता है। और जितना ये तार लूज होगा वही हम लोगों का यहाँ पे एक रीडिंग देता है दोस्तों, ये एक रीडिंग देता है।
आप एमीटर पे ऊपर देखते होंगे ना कि यहाँ पे छोटा छोटा कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे रखता हुआ, और इसी से एक पी इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। ये पी इंडिकेटर काम क्या करता है? ये पी इंडिकेटर काम करता है कि वो कितना लूज हो रहा है वायर, और जितना लूज होगा यानी कि बेलन उतना ही घूमेगा, रेशम उतना ही ढीला होगा, और यही ई का नाम है स्केल। जैसे हम लोग इंच वगैरह यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स में, वैसे ही एक स्केल होता है एमीटर का लगा हुआ रहता है, और इसी एमीटर पे वो डी से लगा हुआ एक पी सूचक है, और इसी पे हम लोगों को ये रीडिंग देता है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हम लोगों को तप्त तार एमीटर की क्रिया हुई। तो यहाँ लिख देंगे तप्त तार एमीटर, ठीक है। तो ये फिगर आप फ्रेश बना लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। लिखा जाए तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर। दोस्तों तप्त तार वोल्ट मीटर में सब चीज़ वही होती है, सब चीज़ वही होती है, लेकिन थोड़ी सी अंतर है। अब क्या अंतर है वो जानने के लिए हम लोग एरो देंगे, फर्स्ट एरो। तो यहाँ पे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्ट मापने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्ट मापने के लिए तप्त तार वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, तप्त तार वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, इसकी बनावट, किसकी बनावट? तप्त तार वोल्ट मीटर की, इसकी बनावट तप्त तार एमीटर के जैसा ही होता है, तप्त तार एमीटर के जैसा ही होता है। अंतर केवल यह है कि इसमें संट का प्रयोग न करके तार ए बी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध आर लगा दिया जाता है और स्केल का मान वोल्ट में रहता है जो जो सीधे वोल्ट में पढ़ी जा सकती है, जो सीधे वोल्ट में पढ़ी जा सकती है। चलिए, यानी सब चीज फिगर में आप देख पा रहे होंगे। हम क्या बोले कि तप्त तार एमीटर के जगह पे अगर वोल्ट मीटर अगर करना होगा हम क्या करेंगे पता है? सब चीज फिगर वही करेंगे। डी एक बेलन है जिसपे रेशम बंधा हुआ है, ए और बी मिश्र धातु है, एक तार है, इससे T1 और T2 को पेंच से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें यहाँ पे संट नहीं जोड़ते हैं, एक तार रहता है और संट नहीं जोड़ते हैं, हम लोग एक प्रतिरोध जोड़ते हैं यहाँ पे। इसलिए आप इस फिगर में थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे प्रतिरोध आर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम किसको कहते हैं? तो एक तार के आगे या पीछे जुड़ता है तो वो श्रेणी क्रम में कहलाता है। तो इस ए बी तार का श्रेणी क्रम में कौन है? ये प्रतिरोध हुआ, इस ए बी तार के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध हुआ। यहाँ पे आप सिर्फ एक वायर खाली ऐसे रख दीजिएगा, बस इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, इसमें फिगर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग श्रेणी क्रम में आर को सिर्फ जोड़ लेंगे। और ध्यान रहे इस तप्त तार वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही सिर्फ इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे ये वाला जो रीडिंग देता है यहाँ पे वोल्ट देता है, और वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे एम्पियर लिख दीजिएगा,
कि वहाँ पे जो रीडिंग देता है वो एम्पियर में देता है, ये वोल्ट में लिखा हुआ रहता है। सब चीज़ वही है, ए बी एक वायर है, इसमें करंट पास करते हैं, लूज हो जाता है। यहाँ पे ई एक स्केल है, पी सूचक है, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग लिखा रहता है वोल्ट में लिखा रहता है, वहाँ एम्पियर में कर लीजिएगा, छूट गया था। वहाँ पे संट जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं तार के, लेकिन यहाँ पे संट नहीं जोड़ के एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है यहाँ पे। तो आप यही फिगर बनाएंगे, लेकिन चेंज करके बनाइएगा, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए फिगर। तो आज हम लोग तप्त तार यंत्र के बारे में डिस्कस किए, जो एमिटर और वोल्ट मीटर का था। दोनों का आप अलग अलग फिगर बनाइएगा, हम एक ही में आपको बता चुके हैं, ठीक है? तो आज के क्लास को इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।